अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी रात ईडी के लॉकअप में कटी। अरविंद केजरीवाल को आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, ईडी अरविंद केजरीवाल की रिमांड चाहेगी। वहीं केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर फौरन सुनवाई किए जाने की मांग की है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। बहरहाल इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से अभयदान देने से साफ इनकार कर दिया था और याचिका को खारिज कर दिया था। और कहीं ना कहीं अंदेशा अंशिका अरविंद केजरीवाल को उस वक्त हो गया होगा, चूंकि 9 समन जिस पर कि उन्होंने हर बार यही कहा कि ये अवैध समन है, ये कोर्ट से उन्होंने कई बार इस बारे में अलग अलग मामलों में उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस बारे में जिक्र किया था कि कोर्ट को ईडी को निर्देश देना चाहिए कि ईडी ये बताए कि उन्हें पूछताछ के लिए बतौर विटनेस, बतौर गवाह बुलाया जा रहा है या फिर बतौर आरोपी अक्यूज बुलाया जा रहा है। ये बात स्पष्ट होगी तो अरविंद केजरीवाल उसी तैयारी के साथ उन्हीं दस्तावेजों के साथ ईडी दफ्तर जाएंगे। और ऐसे में कोर्ट की जो टिप्पणी आई वो भी अरविंद केजरीवाल को ये बताने के लिए काफी थी कि अब वो गिरफ्तारी से नहीं बच सकते। और यहाँ सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि राहुल गांधी से भी अरविंद केजरीवाल ने बात की और राहुल गांधी ने भरोसा भी दिलाया उन्हें कि सब कुछ ठीक रहेगा। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी रात ईडी के लॉकअप में कटी। अरविंद केजरीवाल को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी है। लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका लगाई है। बहरहाल आज सुनवाई में क्या कुछ होगा ये भी देखने का विषय है। और अब बात करेंगे भोजशाला सर्विस से जुड़ी बड़ी खबर की। भोज